नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का कन्हैया ठाकुर का अभिनंदन। आज मैं एक वायरल खबर लेकर आया हूं जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने देखा होगा। रविवार से ही यह वायरल हो रहा है, लेकिन उसके तह में जाकर के उसका सच से सामना करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। भाजपा झंझारपुर जिलाध्यक्ष का शराब पीते हुए एक वीडियो रविवार की सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की बिहार 24 सच से सामना पुष्टि नहीं करती है। एक बार फिर सुन ले, इस वायरल वीडियो की बिहार 24 सच से सामना पुष्टि नहीं करता है, मगर यह सुबह से ही विभिन्न जगहों पर फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप ट्विटर पर चर्चित हो रहा है। लोग विभिन्न तरह के तीखी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। राजद और कांग्रेस के लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जदयू ने इस वीडियो की जांच करने के बाद अगर यह सही है तो इसे घोरापत्तिजनक, निंदनीय और सरकार को बदनाम करने वाला करार दिया है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शराब पीते हुए जिलाध्यक्ष सियाराम शाह झंझारपुर के भाजपा जिला कार्यालय के एक कमरे में बैठे हुए हैं, इंग्लिश गीत सुनकर हाथों में सिगरेट लिए अन्य लोगों के साथ शराब ले रहे हैं, टेबल पर ग्लास सजी है। इस बाबत जिलाध्यक्ष सियाराम शाह ने कहा कि यह वीडियो पुरानी है, शराबबंदी से पहले का ही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिला कार्यालय भी 2 महीने पूर्व ही बंद हो चुकी है। जो भी हो, सच्चाई यह जाँच के बाद ही सामने आएगी, मगर बिहार 24 सच से सामना की टीम ने आपके लिए अपने स्तर से जांच की और जांच में यह भी पाया कि वीडियो में बज रहा पार्श्व संगीत इंग्लिश गायक रिक मोनरो का गीत है जो 7 जून 2017 को पब्लिश हुआ था। टेबल पर रखा चखना पार्ले का चैट किंग्स भुजिया है जो बिहार में 2018 से बिक्री के लिए आया हुआ है। यह जानकारी स्रोतों से मिली है। यह जानकारी भी आपको हो कि बिहार में शराबबंदी 2016 से है। निर्णय आपका, मेहनत हमारा। आगे सुनिए क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस, राजद और जदयू की। मैं हरेराम राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार। वीडियो वायरल होते हुए हमने देखा जिसमें जिलाध्यक्ष सियाराम शाह जो झंझारपुर, अब पता नहीं जो बीजेपी वाले कब से झंझारपुर को जिला घोषित किए हुए हैं, शायद ये सरकारी घोषणा है या उन लोगों का व्यक्तिगत, तो ये जिलाध्यक्ष हैं और खुलेआम एक टेबल पर, और कुछ लोग इनके साथ हैं जिनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये खुलेआम दारू पी रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तमाम सत्ताधारी के पार्टी के जो भी सफ़ेद पोष लोग हैं, चाहे पंचायत स्तर से जिला या प्रदेश स्तर तक, जिनका सीधा संपर्क बिहार सरकार से है, बिहार सरकार के मंत्री से है, विधायक से है, पूर्व विधायक से है, ये लोग शराब पीते ही नहीं हैं। बड़ा बड़ा शराब का तस्करी, यहाँ तक कहा जाए कि जितना भी आप बड़ा बड़ा शराब का जो बड़ा बड़ा खेप देखते हैं, तो बाई चांस कहीं कुछ पकड़ा जाता हो तो ये तमाम चीज़ सत्ता के आड़ में हो रहा है। शराब बंदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ आदेश तक ही सीमित हो और इसके आड़ में सत्ताधारी खेल जारी रहे तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जेल में जितने भी शराब के धंधा में जितने भी जेल में लोग बंद हैं, वो तमाम गरीब गुरबा लोग, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, बकरी चराने वाले, तमाम ये गरीब गुरबा लोग जिन्हें सत्ता का कोई भी संरक्षण नहीं है, ये खेत खलिहान में काम करते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण कहीं शराब पीते हुए पकड़ा गए तो ये जेल भेजे जाते हैं। और तमाम लोग जो सत्ता से संलिप्त हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हों, चाहे पंचायत स्तर के अध्यक्ष हों, जिसका सीधा संपर्क सरकार से है, वो खुलेआम शराब पीते हैं और शराब का धंधा करते हैं। जिला पदाधिकारी मधुबनी, एसपी मधुबनी और तमाम स्थानीय प्रशासन से हमारी मांग है
जो इन पर FIR दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी हो, और मैं इस मामले को अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी और नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष के व्हाट्सएप पर भी मैं उनको हम भेज रहे हैं, ताकि इसको प्रदेश स्तर पर भी हाउस के अंदर और बाहर भी इस बात को उठाया जा सके। वैसे कल हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिला में, हम चाहेंगे जो इसमें भी इस बात को रखा जाए। बीजेपी का चाल चरित और चेहरा इस वीडियो के माध्यम से जनता के सामने आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार मुखिया नीतीश कुमार जी एक तरफ पूरी शक्ति से शराबबंदी का ढोंग रच रही है, और दूसरी तरफ उनके सहयोगी द्वारा शराबबंदी का कानून का चीरहरण कर किया जा रहा है। आज मैं एक वीडियो वायरल देखा, जिसमें यह दिखाया गया है कि माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष झंझारपुर इकाई को शराब पीते दिखाया गया है। यह बहुत ही दुखद बात है कि एक शीर्ष नेता के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है, तो आम नागरिक क्या करेंगे। इससे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बदनाम किया जा रहा है, साथ साथ भाजपा जैसे संगठन को भी बदनाम किया जा रहा है। अगर इस तरह का वायरल सही है तो उन नेताओं पर उचित कानून कार्रवाई की जा सकती। मैं दिलीप कुमार भंडारी, सांसद प्रतिनिधि झंझारपुर। आनंद कुमार झा, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी मधुबनी। ये जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी का वीडियो वायरल हो रहा है शराब पीते हुए, उस पर मेरा कहना है कि ये बीजेपी के लोग, ये तो जिला अध्यक्ष हैं, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्हीं के मंत्री और विधायक के संरक्षण में ये दारू माफिया पल फूल रहे हैं और इनके लोग पी भी रहे हैं। ये लोग मोदी जी के अनुयायी हैं। मोदी जी का कहना है कि जो काम करो वो बोलो मत, और जो बोलो सो करो मत। इस पे वो शराबबंदी करते हैं, ये लोग खुद दारू पीते हैं। आपने इससे पहले भी कई वीडियो वायरल सत्ताधारी विधायक के और उनके भाई के स्कूल में के बहुत सारी वीडियो आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग ने देखा था, पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग ने देखा था। इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ, और यही लोग, इन्हीं के लोग बेटी को बलात्कार और अपहरण करके हत्या करते हैं। इन्होंने आर्थिक उदारवादी की नीति की प्रचार प्रसार करते हैं, और पूरे देश में आज आर्थिक मंदी छा गई है। ये रोजगार की बात करते हैं और बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और बिन बुलाए पाकिस्तान तक चले जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो काम करना है वो बोलो मत, और जो काम नहीं करना है वो बोलो। इसी दरमियान ये लोग अपना दारू का धंधा फल फूल रहा है इनका जो है सो। मेरा एक ही मांग है और कुछ नहीं मांग है, कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसका जांच किया जाए, और यदि ये जिला अध्यक्ष यदि इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पार्टी से उनको बर्खास्त किया जाए, और प्रशासन को मैं ये कहता हूँ कि उन पर कानूनी उचित कार्रवाई किया। इसी प्रकार आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना के विभिन्न खोज परक खबरों का। जो भी आपको इस समाचार के बाबत कहना हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बतावें, कोई सुझाव भी दें। किसी भी प्रकार की कोई आपके आसपास में कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो हमको उससे अवगत कराएं, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, सच से सामना करवा सकूं। धन्यवाद।